और आज की वीडियो में जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ ना कि भाई साहब एक बार में तुम डैंड्रफ पूरा एकदम खत्म कैसे कर सकते हो बिना किसी शैम्पू के, बिना किसी कंडीशनर, उन चीजों के। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। एंड टुडे इज 24th of August 2020 और भैया आज का दिन है मंडे का। अब चूंकि देखो आप लोग देख रहे हो मेरा मतलब हुलिया ठीक है, मतलब बाल भी ठीक है, बढ़िया आराम से बियर्ड भी ठीक है और इधर अपनी मूछें भी आ रखी हैं, तो लेकिन प्रॉब्लम एक और है जो बालों के अंदर है, दैट इज़ इसके अंदर ना यार डैंड्रफ हो गया है। जो अभी आप लोगों को पता हो कि मैं घर गया था, 6 जुलाई को मैं घर गया था। ओह शिट, हाँ आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। हाँ वो मैंने शूट किया था बट अपलोड नहीं किया, है आलस, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, वो वाले ब्लॉग भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आने का भी आएगा, जाने मतलब लाइक जाने का भी आएगा और यहाँ वापस आने का भी आएगा। वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल ब्लॉग है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और जब मैं घर पे था ना तो उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे जो है डैंड्रफ हो गया था सर में। और हाँ मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि भैया कैमरा मेरा दूसरे वाले रूम में है और वहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ अभी अभी क्योंकि मार्केट चलेंगे। तो अभी मैं जाने वाला हूँ ये ठीक करवाने के लिए। और आज की वीडियो में जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ ना कि भाई साहब एक बार में तुम डैंड्रफ पूरा एकदम ख़त्म कैसे कर सकते हो बिना किसी शैम्पू के, बिना किसी कंडीशनर, उन चीज़ों के, मतलब एकदम जो मतलब नेचुरल इलाज है, जो नेचर ने खुद ने इलाज दिया हुआ है आपको, उसके आप कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो चलो ये काम करते हैं, चलते हैं और चल करके देखते हैं कि भैया ऐसा क्या इलाज है कि जिससे कि ये बालों का एकदम डैंड्रफ ठीक हो जाएगा और मतलब बाल भी हेल्दी हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो चलो, एक तो ये ना ये मास्क में साला पता नहीं लगता कि ये किधर, अच्छा इधर से पहनना है। ओके यार ये ना ये गंदा हो गया, मुझे एक और मास्क लेना पड़ेगा। तो लेट्स गो, चल मास्क जरूरी है। अभी के लिए बाकी का बाद में देखते हैं क्या नया लुक बनता है, क्योंकि भैया इसका एक ही इलाज है, बाल छोटे करवा दो, बाल ख़त्म ही करवा दो। आई मीन लाइक सोच रहा हूँ, पहले सोचा था कि पूरा गंजा हो जाऊँगा लेकिन वो अलाउड नहीं है घर में, तो अभी इसको छोटे करवाना पड़ेगा। लेट्स सी कितने छोटे होते हैं। एंड हियर इज द न्यू लुक। आई नो मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, मेरा एकदम भाई मतलब मेरे ऊपर सूट नहीं करते, ऐसे ऐसे छोटे बाल सूट करते जो मतलब हल्के हट्टे कट्टे होते हैं जो लोग। तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं पतला सा हूँ और साला ये पंखा और कूलर बंद करके ना भाई साहब इतनी गर्मी लगती है। वो छोड़ो, उसको एक साइड में रखते हैं। देखो पता क्या है, डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ होता है यार स्कैल्प पे, ठीक है। अब जब तक भैया ऑयल या फिर जो भी तुम रेमेडी लगाओगे, जब तक वो स्कैल्प जब तक नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी वहाँ पर, तब तक कोई फायदा नहीं। तो इट्स बेटर कि ठीक है बाल छोटे करवाओ, बाल एकदम मैंने बिल्कुल छोटे करवाए। वैसे मतलब पहले मैं सोचा जितनी ये बियर्ड है मेरी इतने करवाऊंगा, बट उसे सजेस्ट किया जो मेरा सलून वाला था कि भैया एक काम करो इतने बड़े बड़े यहाँ पे रखते हैं और बियर्ड छोटी कर देते। और हाँ ये बताओ मुझे कैसी लग रही है, इसके फ़ायदा क्या है। जो मुझे लगता है जब जिस वजह से मैंने करवाया, दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ कि स्कैल्प तुम्हारा थोड़ा सा उसमें हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि ये फंगस होता है और कुछ नहीं होता है। जो भी डेंड्रफ होता है वो फंगस होता है, वो और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ऑयलिंग जब करोगे तो एकदम जड़ तक जाएगी, पूरा ऊपर अच्छे से हो पाएगी, और प्लस नींबू और जो भी चीज़ होम रेमेडीज जो होती हैं वो लगाओगे अच्छे से नीचे तक जाएगी। और प्लस आप ऐसे करके आप खुजली भी कर सकते हो भाई, बड़ा भाई कसम से बता रहा हूँ, खुजली करके भी आप हटा सकते हो भाई, जो सुकून मिलता है। और एक और बेस्ट चीज़ दैट इज़ कि जब आप चंपी कर रहे हो ना तो जो सुकून मिलेगा ना भाई साहब, ओह हो मतलब मैं तो सपनों में खो गया। बाकी का आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर अपना। और हाँ एक और बात बतानी थी कि यार जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही आएगी, वो एक्चुअली में शारदा यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो डीन है उनके अगेंस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई सब कुछ पंगे हुए हैं। तो मैं अपना ओपिनियन रखूँगा कि भाई एग्जैक्टली क्या सीन है, बट उसके अंदर एक जो अहम चीज़ है दैट इज़ कि एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ बिजनेसमैन हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं, और स्पेशली ऐसी बड़ी डिजिग्नेशन पर जब हम रिक्रूट करते हैं, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। बाकी का मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज, राम राम, सत श्री अकाल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पीस।
Find somebody who loves you, somebody who needs you.